Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science geography, and we will learn and understand the chapter number 5 industries, and also will discuss industrial disaster in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रियल डिजास्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन इंडस्ट्रीज, एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटीरियल. देखिए, इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उसका मेनली जो कारण वो ये है, या तो टेक्निकल फेलियर होना, या फिर जो हजार्डस मटेरियल क्या होता है, विषैले पदार्थ, उनकी हैंडलिंग को जब आप लापरवाही से करते हैं ना, तो ऐसे डिजास्टर्स या एक्सीडेंट्स होते हैं. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 AM. देखिए, अभी तक के हिस्ट्री का जो सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ है वो है भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, जो कि रात के 12:30 बजे हुआ, जबकि सब सो रहे थे. इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड. ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, जो कि कीटनाशक बनाती थी ना, वहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होनी शुरू हो गई, और उसके साथ जो रिएक्शन करने वाले प्रोडक्ट होते थे वो भी वो सब लीक होने लग गए. द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3,598 in 1989 में जब इसकी बताई गई, अनाउंसमेंट करी गई कि भाई कितने लोग मरे हैं ना, तो उसमें सामने आया जो गवर्नमेंट का डाटा था वो था ऑफिशियल डेथ, उसमें हुई 3,598 एंड द थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयरमेंट इम्यून सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. यानी कहने का मतलब ये है कि इतने लोग तो मर गए, लेकिन जो हजारों लोग बच गए वो आज भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि अंधापन होना, या फिर उनकी इम्यून शक्ति जो है वो खराब हो जाना, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर उनको हो रखे हैं. देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि उसको कैलकुलेट करना भी, उसका जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है. इन अनदर एक्सीडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्वाओ चोंगगेंगिंग चाइना 243 पीपल डाइड. देखिए क्या हुआ था कि 23 दिसंबर 2005 को चाइना में एक जो गैस का कुआं था वो फट गया था, जिसके कारण 243 लोग तो मर गए एंड 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड. और 9,000 लोग इंजर्ड हो गए और 64,000 लोगों को वहां से निकाला गया. मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन. यानी एक्सप्लोजन होने के बाद उनमें बहुत सारे लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो वहाँ से भाग नहीं सके. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. और जो लोग वहाँ से भाग भी गए ना, ठीक है, और उस समय मतलब ये बताया गया कि देखो यार, कुछ तो इसलिए मर गए कि वो नहीं भाग पाए, और जो और भी नहीं निकल पाए, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो और भी थे जो नहीं निकल पाए थे, तो वो क्या हुआ, उनकी आईज खराब हो गई, उनकी स्किन खराब हो गई और उनके लंग्स खराब हो गए गैस के कारण. Now we'll talk about the risk reduction measures. यानी इस रिस्क को कम करने वाले मेजर्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी. डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज. यानी इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया से हमेशा दूर रखा जाना चाहिए. पीपल स्टेइंग इन द
vicinity of industries should be aware of the shortage of toxins and hazardous substances and their possible effects in case if an accident occur. यानी जो वहाँ लोग उसके पास में रहते हैं ना इंडस्ट्रीज़ के, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो जहरीले या विषैले पदार्थ हैं उनसे उनको कितना नुकसान हो सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो. फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव. तो फायर वार्निंग और फायर फाइटिंग सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड. यानी कहाँ पर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखे जा सकते हैं इसकी लिमिट तय होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव. और उद्योगों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर. लेट्स सी द आंसर नंबर वन. सो हेयर इज योर आंसर नंबर वन. इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल. आपको यहाँ तक आंसर नंबर वन लिखना है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट वॉज द मेन रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल डिजास्टर दैट अकर्ड इन भोपाल इन 1984 में भोपाल में जो हुआ इंडस्ट्रियल डिजास्टर उसका मेन कारण क्या था. लेट्स सी. सो सेकेंड नंबर आपने यहाँ से लिखना है आंसर नंबर सेकेंड. तो आपने क्या लिखना है द, या थोड़ा सा अपने आप लिखना है मेन रीजन दैट, और बाकी पूरा ही लिखना है इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड. यहाँ तक आपको आंसर नंबर टू लिखना है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट योर ओन व्यूज ऑन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर. यानी इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए क्या मेथड्स होने चाहिए उस पर आपके व्यूज. तो देखिए आंसर तो यहीं पर ही लिखा हुआ है. दिस इज योर आंसर नंबर थ्री. और आप इसमें एनी थ्री पॉइंट्स, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी थ्री पॉइंट्स. तो आप कोई से भी थ्री पॉइंट्स लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट लिख सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया. यानी रेजिडेंशियल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर होना चाहिए. फिर सेकेंड आप ये लिख लें फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव. यानी फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड. यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो जहरीले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी की भी लिमिट होनी चाहिए. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.